हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सेप टूल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिलन सेतु एप्लीकेशन के बारे में। मिलन सेतु एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, मीटिंग कैसे होस्ट करना है और मीटिंग ज्वाइन कैसे करना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फिर से वीडियो की लिंक भी दे दी है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिलन सेतु ऐप में क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या अपडेट्स आने वाली हैं, कौन कौन सी नई अपडेट्स आने वाली हैं। तो दोस्तों, पहली जो खामी नज़र आई है मिलन सेतु एप्लीकेशन में वो है कि हम स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जो बात आती है वो ये है कि अगर हमें किसी के साथ फाइल शेयर करनी है तो हम उसमें फाइल भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट्स पे अभी काम हो रहा है मिलन सेतु ऐप में, जिसमें वाइट बोर्ड इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जिसमें स्क्रीन शेयरिंग इंट्रोड्यूस करी जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी वैसे काम नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, इसमें एक और अपडेट आने वाली है कि आप अपनी PDF फाइल भी शेयर कर सकते हैं। और अगर बात आती है सिक्योरिटी की दोस्तों, तो ये ऐप बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ पर हमारा कोई भी डाटा लीक नहीं होता है, प्राइवेसी काफी अच्छी है एप्लीकेशन की, यहां पे कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में पासवर्ड लगा देते हैं, अपनी मीटिंग में पासवर्ड लगा देते हैं, तो फिर जो भी आप जिसको इनवाइट करेंगे वही आपकी लिंक से ज्वाइन कर सकता है और वो पासवर्ड एंटर करेगा और आपकी मीटिंग में एंटर हो जाएगा दोस्तों। तो एक और ऑप्शन इसमें अपडेट होने वाला है मिलन सेतु एप्लीकेशन में, वो है कि हमारा मीटिंग शेड्यूल नहीं हो पाती है। मीटिंग का हम शेड्यूल नहीं कर सकते हैं, जैसे हमें मीटिंग करना है, हफ्ते में 5 मीटिंग हमें शेड्यूल करनी है, हमने एक मीटिंग सुबह में कर ली और एक मीटिंग 2 दिन बाद करी है और एक मीटिंग 3 दिन बाद करी है, तो मीटिंग शेड्यूल का अभी कोई ऑप्शन नहीं आया है। इस पर भी अपडेट चल रहा है दोस्तों और काफ़ी जल्दी इसमें प्रोग्रेस आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी आ रही है, काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ दोस्तों आप 100 लोगों से बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मिलन सेतु एप्लीकेशन में एक और बहुत अच्छा फीचर आने वाला है, वो है व्हाइट बोर्ड का फीचर, जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपडेट हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड का फीचर आप लोगों को आई थिंक पता होगा दोस्तों, जहाँ पे होस्ट और जो मीटिंग ज्वाइन करते हैं वो लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना पेंसिल राइटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो होस्ट ज़्यादातर जो ये ट्यूटोरियल में काम आता है, जहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलती हैं या फिर जितनी भी स्कूल की क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पे होस्ट क्या करते हैं, वो व्हाइट बोर्ड पे अपना पेंसिल से लिख के बताते रहते हैं, तो जितने भी मीटिंग में पार्टिसिपेंट होते हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाता है दोस्तों। और उसके बाद इसमें एक और फीचर आने वाला है, वो है इमोजी का फीचर। तो इमोजी के फीचर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव इमोजी इसमें इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसमें स्लोअर का इमोजी होगा, फास्टर का इमोजी होगा, थम्सअप का इमोजी होगा। स्लोअर का इमोजी मीन्स अगर कोई भी आपका नरेटर या फिर होस्ट कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है या बता रहा है और अगर आप चाहते हैं कि वो स्लो बोले, तो फिर आप उसे स्लोअर का इमोजी भेज सकते हैं, तो वो स्लो बोलने लगेगा, समझ जाएगा। या फिर अगर उसे तेज बोलना है तो फिर आप फास्टर का इमोजी भेज सकते हैं, या फिर अगर उसने काफी ज्यादा अच्छा बोला है और आपको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और ये आप टॉपिक लाइक कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर आप थम्सअप का भी इमोजी सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिस फीचर के जरिए आप लोगों को म्यूट कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आपने कोई मीटिंग होस्ट की है जिसमें 100-95 पार्टिसिपेंट हैं, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोग माइक म्यूट नहीं करते हैं अपना और बोलने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है, मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन होता है दोस्तों। तो इसमें एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस होने वाला है जहाँ पे आप लोगों को म्यूट कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ होस्ट बोलेगा, और उसके बाद अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है तो वो अपना थम्सअप कर सकता है या फिर वो डायरेक्टली अनम्यूट कर सकता है। और दोस्तों, एक और प्राइवेसी इंट्रोड्यूस होने वाली है इसमें, वो कि जब चैट ऑप्शन आता है हमारा, जब हम कोई मीटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें वहां पे चैट में भी सिर्फ होस्ट ही मैसेज कर सकता है, ऐसा ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस होने वाला है मिलन सेतु एप्लीकेशन में दोस्तों। आई होप आप लोगों को पता होगा कि आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे मिलन सेतु एप्लीकेशन को यूज़ करके। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है और वीडियो ग्लिच नहीं होती है, वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है और दोस्तों आपका डाटा भी कम से कम यूज़ होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मिलन सेतु एप्लीकेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो जल्दी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि मिलन सेतु एप्लीकेशन में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और अपडेट्स हो रही है दोस्तों, और कुछ ही दिन में नया वर्जन आने वाला है, तो आप अपने प्ले स्टोर पर चेक कर लें एक बार, अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।